गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम लोकमान्य तिलक स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ सेविंग। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल समझाए जा रहे थे नाइन्थ चैप्टर नंबर 9 के, और एग्जाम्पल नंबर जो था वो 20 था, 20 का सेकेंड पॉइंट था। तो आइए सीखते हैं 20 के सेकेंड पॉइंट में क्या चीज़ है, क्या पॉइंट है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चों, सेकेंड पॉइंट क्या था? इफ़ द कॉस्ट प्राइज ऑफ 10 फैन वी इक्वल टू सेलिंग प्राइज ऑफ 16 फैन। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में बोला गया है एग्जाम्पल 20 का सेकेंड पॉइंट, 10 फैन का कॉस्ट प्राइज 16 फैन के सेलिंग प्राइज के बराबर है। 10 फैन का कॉस्ट प्राइज 16 फैन के सेलिंग प्राइज के बराबर है। तो हमको यहाँ से ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 से काट सकते हैं, 2 5 जो 10, 2 8 जो 16। यहाँ पर हम लिख सकते हैं CP/SP इक्वल टू 8/5। CP का मान 8 हो जाएगा, SP का मान 5 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, किसी वस्तु को अगर हम 8 रुपये में खरीद रहे हैं और 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन के आधार पर हमको लॉस कितने यूनिट का हो रहा है? 3 यूनिट का। अगर बच्चों हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है L% यानी कि लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइज इंटू 100। लॉस है हमको 3 यूनिट का, कितने कॉस्ट प्राइज पर? 5 यूनिट कॉस्ट प्राइज पर इंटू 100। बच्चों अगर हम डिवाइड करेंगे तो 300 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों डिवाइड करने के बाद 37 पॉइंट कितने परसेंट आ जाएगा? बच्चों यहाँ 37.5%। 300 को अगर हम 8 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका परसेंटेज का जो मान हो जाता है वो 37.5% हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये एग्जाम्पल नंबर 20 का सेकेंड पॉइंट था। अब बच्चों एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज हमारी 9C में। आप लोगों को एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं और उसी आधार पर आप लोगों के बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, आप 500 रुपीज़ में ख़रीदते हैं। 9C एक्सरसाइज, 9C एक्सरसाइज 9C का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट है और आप इसको 5000 रुपीज़ में ख़रीदते हैं, और जब इसको बेचते हैं तो 6500 रुपीज़ में बेच देते हैं। यानी कि किसी वस्तु का हम ख़रीदते हैं CP 5000 रुपीज, इसको जब हम बेचते हैं तो 6500 रुपीज में बेच देते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट, यानी कि आप लोगों को प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में पूछा गया, हम कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर हम गेन की बात करने लगे तो यहाँ पर गेन कितना होगा, यानी कि प्रॉफिट। बच्चों प्रॉफिट कितने का होगा? 6500 रुपीज में से 500 रुपीज घटा देते हैं तो कितना? 1500 रुपीज। ठीक, अगर हम गेन परसेंटेज निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 1500 अपॉन कास्ट प्राइस कितना है डियर स्टूडेंट्स? 5000 इंटू 100। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 3 जो 15, यानी कि 30, कितने परसेंट का गेन परसेंट कितना हो जाएगा आप लोगों का? 30%। आप लोग कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट का कास्ट प्राइस है इनके 5000 रुपीज़ है, इसका सेलिंग प्राइस जो है 6500 रुपीज़ है, इसका गेन कितने का यानी कि लाभ कितने का हुआ है आप लोगों का? 1050 यानी कि 500 रुपीज़ का इसमें लाभ हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज P/CP × 100, यानी कि आप लोगों का 1500 रुपये का लाभ हुआ है 5000 रुपये पर, तो आपका 100 पर कितने होगा? 30% हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन, हम भले ही ना लिख पा रहे हो, आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, उसका ये सॉल्यूशन है, कितने परसेंट हुआ है। अगर हम गेन की बात करने लगे, प्रॉफिट की अगर बात करने लगे, तो आप लोगों का प्रॉफिट का मान कितना है?
1500 रुपीज़। गेन परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करेंगे, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है, 30% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से अपने क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर सकते हैं। आगे बच्चों फिर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों एक घड़ी है और एक घड़ी जो परचेज की जाती है 2000 रुपीज में परचेज की जाती है, और यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9th C का क्वेश्चन नंबर 2। एक घड़ी है जो परचेज की जाती है 2000 रुपीज, यानी क्या इसका कास्ट प्राइस क्या है, 2000 रुपीज, 2000 रुपीज एंड सोल्ड। इसको जो बेचा जाता है 1800 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 1800 रुपीज। बच्चों हमसे ये निकालना गया है फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंटेज। बच्चों यहाँ पर कितने रुपए का लॉस हुआ और लॉस परसेंटेज का मान भी पूछा गया। तो अगर हम लॉस की बात करने लगे तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर डियर स्टूडेंट्स हम कास्ट प्राइस से अगर हम सेलिंग प्राइस घटा देते हैं तो इस कंडीशन में हमको लॉस का पता चलता है। अगर हम कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं तो लॉस का पता चलता है। तो कास्ट प्राइस कितना है, 2800 रुपीज़, 200 रुपीज़ का लॉस हुआ। अगर बच्चों लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता, लॉस अपॉन कास्ट प्राइस इंटू कितना हो जाएगा, 100। बच्चों लॉस कितने रुपए का हो रहा है, लॉस हो रहा है 200 रुपीज़ का लॉस हुआ। कितने कास्ट प्राइस पर हुआ है, 2000 रुपीज़ इंटू 100, 20 से 20 कर जाएंगे, 10 से 10, 2 से काटा 10, तो यहाँ से कितने परसेंट का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ। डियर स्टूडेंट्स हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया कि किसी वस्तु को यानी कि किसी घड़ी को हम 2000 रुपीज़ में खरीदते हैं, जब उसको बेचते हैं तो 1800 रुपीज़ में बेच देते हैं, जिससे हमको जो लॉस हो जाता है वो कितने रुपए का लॉस हो जाता है, 200 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स लॉस हुआ 200 रुपीज़ का, और इसको जो हम बेचते हैं 2000 रुपीज़ के लिए बेचते हैं इंटू 100, 10% के यहाँ से लॉस हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बीच में जो भी क्वेश्चन है आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पॉइंट, इफ द कॉस्ट प्राइस 6 articles इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 articles फाइंड द गेन परसेंटेज। डियर स्टूडेंट इसमें बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस 6 articles का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितने आर्टिकल्स के, यानी कि 4 articles के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 6 articles का कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल्स के, 4 articles के सेलिंग प्राइस के बराबर हैं। तो हमको यहाँ से क्या है, फाइंड द गेन परसेंटेज, यानी कि कितने परसेंट का हमको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ निकालनी है। तो 2 3 6 2 2 4 यहाँ से सॉल्व करेंगे, CP/SP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3। ये बच्चों CP के अपॉन में SP पहुँच जाता है। यहाँ पर कास्ट प्राइस कितने यूनिट है, 2 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितने यूनिट है, 3 यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कास्ट प्राइस आप लोगों का 3 यूनिट, यहाँ तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 रुपये की कोई वस्तु 3 रुपये में बेची जाए तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, पहले हम प्रॉफिट देखेंगे, तो प्रॉफिट हमको जो हुआ है अगर हम कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो अगर हम सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस घटाएंगे तो हमको 3 में से 2 घटाने पड़ेगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता तो प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100 लिखना होता है। आप लोग समझ रहे हैं, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता तो प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100 लिखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का मान कितने यूनिट है, 1, कास्ट प्राइस कितने यूनिट है, 2 इंटू 100, तो कितने परसेंट आ जाएगा यहाँ पर,
50%। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंटेज का जो मान हो जाएगा वो कितने परसेंट हो जाएगा, 50% हो जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि 6 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 4 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये पूछा गया था। तो 6 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल भी बीच में इक्वल का निशान है, इक्वल है 4 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ पर CP और SP का रेशियो 2:3 आ गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं CP का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है, CP आपका 2 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है। तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस घटाएंगे तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अगर डियर स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, कितने प्रॉफिट क्रय मूल्य पर यानी कि कास्ट प्राइस पर 2 यूनिट पर इंटू 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा आप लोगों को, यानी कि 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड पॉइंट। बच्चों इसमें कहा है इफ द कास्ट प्राइस ऑफ 15 चेयर्स टू बी द इक्वल द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर, यानी कि कहा गया है कि 15 चेयर का कास्ट प्राइस जो है वो 20 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 15 चेयर का कास्ट प्राइस 20 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 15 चेयर का कास्ट प्राइस 20 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो हम 5 से काट सकते हैं, 5 से 15, 5 से 20, 3 चेयर्स का कास्ट प्राइस 4 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं कास्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 4:3। कास्ट प्राइस 4 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है, तो यहाँ पर लॉस कितने यूनिट का हो रहा है, लॉस हो रहा है डियर स्टूडेंट्स 1 यूनिट का। आप लोग समझ ही चुके हैं यहाँ से किस तरीके से लॉस और प्रॉफिट होता। तो लॉस परसेंटेज अगर हमको निकालना है, अगर हमको लॉस परसेंटेज निकालना होता तो लॉस अपॉन कास्ट प्राइस इंटू कितना हो जाएगा, 100। 1 यूनिट का लॉस हो रहा कितनी कास्ट प्राइस पर, 4 यूनिट पर, इंटू 100, तो हम कितने परसेंट का लॉस लिखेंगे, 20% का। आप लोग समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही रहेगा, इससे आगे की जो वीडियो रहेगी वो कल रहेगी, आज के लिए इतना ही काफी। ओके बाय।